नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं साइकोलॉजी वाला उमेश सर पर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उर्दू के अंतर्गत जो मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उर्दू के पेपर में, उनका मैं आप लोगों के लिए व्याख्यात्मक हल करके बता रहा हूँ। एक बार आप अपने प्रश्न भी मिला लेंगे, साथ में आप देख लें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब के बारे में मैं आप लोगों से डिटेल से क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई, आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो बेटा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत की गई है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई है। कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। तो मैं बात करूं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में बात करूं, तो निश्चित रूप से यहां पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपकी एनईपी 1986 के अंतर्गत की गई थी, और यह 1986 के अंतर्गत 5 मई 1988 को की गई। 5 मई 1988 को इसका क्या किया गया बेटा, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1988 में। चलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राजस्थान के अंतर्गत इसका क्या नाम है? राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कशन करूं, तो निश्चित रूप से यहां पर मैं आपसे बात करूंगा तो आरटी अधिनियम 2005, आरटी अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2011। तो बिल्कुल राजस्थान के अंतर्गत इसका नाम है आरटी अधिनियम 2011, जो निश्चित रूप से 29 मार्च 2011 को इसे अधिसूचित किया गया, और 30 मार्च 2011 में इसे गजट में पेश किया गया। किसके अंतर्गत? गजट में पेश किया गया। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना, भारत के शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? भारत के शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले जो पहल की गई थी ना, वह 1910 में किसके द्वारा की गई थी? 1910 के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ब्रिटिश विधान परिषद में, जिसे खारिज कर दिया गया 1910 में ब्रिटिश विधान परिषद के अंतर्गत। ब्रिटिश विधान परिषद में इसको क्या किया गया था? पेश किया गया, लेकिन यह इसको अपन लागू नहीं कर पाए। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, तो देखें 26 दिसंबर 1956 में 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी जमहूरी की मेज़बानी की गई थी? यदि स्काउट गाइड के बारे में डिस्कस करें तो बेटा, सबसे राजस्थान ने दूसरी जो जमहूरी थी वह जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुई थी दूसरी जमहूरी, और वो कौन सी थी? दूसरी जमहूरी थी और जो जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुई थी, कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। जो कब तक चली थी यहाँ पर? उन 26 दिसंबर 1956 से लेकर के 1 जनवरी 1957 तक चली थी, और वह दूसरी जमहूरी थी। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे यहाँ पर, अगर विद्यालय प्रबंध समिति में केवल 12 सदस्य होते, कितने सदस्य होते? 12, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो महिला सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से कितनी होती है बेटा? 50% महिला सदस्य होती हैं। तो निश्चित रूप से यदि 12 सदस्य हैं तो 12 का 50% कितने हो गए? 6 सदस्य महिला। मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित रूप से एसएमसी के अंतर्गत 50% महिलाएँ होती हैं, और संपूर्ण एसएमसी के सदस्यों का 3/4 भाग जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपसे क्या पूछा है? 12 सदस्य होने पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? मुझे जल्दी से बता दो इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि कोई विद्यालय क्या करता है? कैपिटेशन शुल्क लेता है, तो उसके दंड का प्रावधान है।
लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 30 गुना तक अर्थदंड और लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 50 गुना तक अर्थदंड। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना तक क्या लिया जा सकता है? अर्थदंड लिया जा सकता है। चलो, शिक्षा की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है क्या, कर्नाटक है क्या, उत्तर प्रदेश है क्या या तमिलनाडु है? तो सबसे पहला कौन सा राज्य था? कर्नाटक। कौन सा था बेटा? कर्नाटक। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो बताओ, RSIMDC ये बेटा एक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो वास्तव में आपके शैक्षिक प्रदर्श से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका निर्माण 1969 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया था? 1969 में। चलो अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? दीक्षा, दिशा, निखार या परख? मैं आप लोगों से बात करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत निश्चित रूप से जो आकलन केंद्र है उसका नाम दिया गया है बेटा, क्या नाम दिया है? परख। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, परख नाम दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? वो दिया गया है दीक्षा नहीं, दिशा नहीं, निखार नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसे कहा गया है परख। यदि आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने, बनाए रखने को प्रवृत्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? अभी योग्यता, ठीक है, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या रुचि? यदि मैं इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं परफेक्ट टू परफेक्ट, तो एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ रखने या बनाए रखने काम आता है उसे कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहा जाता है? मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा? अभिप्रेरणा के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो देखें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? ये किसने दिया था बेटा? स्किनर के द्वारा। और स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत आकृतिकरण, जिसे कहा जाता है शेपिंग, क्या कहा जाता है? शेपिंग को इम्पोर्टेंट माना, पुनर्बलन को इम्पोर्टेंट माना। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से तो निश्चित रूप से यहाँ पर अंतर्नोद को इम्पोर्टेंट नहीं माना, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण को भी इम्पोर्टेंट माना है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, वो नहीं जाता, उसे पारिवारिक जो समारोह होते हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यदि वह नहीं जाएगा तो उसकी मम्मी नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, अब वो पारिवारिक समारोह में जाना भी नहीं चाहता और मम्मी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता, उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि इधर गिरे तो कुआ और इधर गिरे तो खाई, इधर जाता है तो प्रॉब्लम, यदि वह प्रोग्राम में जाता है तो निश्चित रूप से प्रोग्राम के अंतर्गत जब जाएगा तो एक समस्या है कि उसको खुद को अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना, अब वहाँ जाए तो उसका वहाँ भी जाने का मन, नहीं जाए तो मम्मी नाराज, बड़ी समस्या। तो बेटा यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ माइनस माइनस की, इसे कहेंगे परिहार परिहार, उपागम उपागम, उपागम परिहार या द्विपागम परिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कहेंगे परिहार परिहार। कौन सा? बिल्कुल इसे परिहार परिहार के नाम से जाना जाता है। ओके, इसे परिहार परिहार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करके तनाव मुक्त हो जाता है? किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव से मुक्त हो जाता है? तो इसे दमन कहेंगे, ऐश्वीकरण कहेंगे, प्रक्षेपण कहेंगे या इसे दुवास्वप्न कहा जाएगा?
तो बेटा जब एक व्यक्ति काल्पनिक जगत में चला जाता है तो उसे फैंटसी कहा जाता है, इसे कहा जाता है कल्पना जगत। क्या कहा जाता है? कल्पना जगत, तो उसे बोलते हैं देवाश्वप्न। फैंटसी मन तरंग कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? मन तरंग। चलें अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्यार्थी की क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है? विचार युक्त प्रभा, मौलिकता, अविशारी चिंतन, या जिसे कहा जाता है लचीलापन। तो यहाँ पर मैं परफेक्ट आंसर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थी की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? विचार युक्त प्रभा सृजनात्मकता से संबंधित है, मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित है, लचीलापन सृजनात्मकता से संबंधित है, लेकिन अभिशारी जो चिंतन होता है ना, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता, यह प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। कौन से बालकों के अंतर्गत? जो गॉड गिफ्ट चाइल्ड होते हैं ना, उसमें होता है। तो राइट आंसर सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, अभिशारी चिंतन। जबकि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा होता है? अपसारी चिंतन होता है। कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ मुझे, समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल, यहां पर सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है? अपसारी चिंतन। जबकि अभिशारी चिंतन होता है प्रतिभाशाली बालकों में। किन में होगा? प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताओ अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? देखो यहाँ पर बात करें, मैस्लो ने तो दिया नहीं था, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो ठीक है साहब। मैकलिलेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पद याद है क्या? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो हैं उनके द्वारा, एक तो कौन थे? मैकलिलेन, एक थे एटकिंसन। कौन थे? एटकिंसन, एटकिंसन, ओके। इनके द्वारा, बिल्कुल मैकलिलेन के द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड मैकलिलेन, एटकिंसन, और इनके साथ दिया था होइंगा बा होइंगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया ही था, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया ही था, संकेत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था साहब? टोलमैन ने दिया ही था, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया बच्चा। यह तो किसने दिया था? अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। डिसलेक्सिया पूछ रहा है आपसे, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया गणितीय अक्षमता से संबंधित है, पठन विकृति से संबंधित है, व्यवहार अक्षमता से संबंधित है, या मानसिक अक्षमता से संबंधित है? यदि मैं आप लोगों से इसके बारे में करेक्ट टू करेक्ट बात करूं तो इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। पूछा है तो डिसलेक्सिया पठन विकृति होती है, पठन विकृति, जिसे शब्द अंधता नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? शब्द अंधता। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलो, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है सिगमंड फ्राइड का, स्ट्रेंग का, क्रोबाक्रो का, या स्कीनर के द्वारा? तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसका है? क्रोबाक्रो के द्वारा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, वो किसने कहा है? क्रोबाक्रो के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न के बारे में आप लोगों से बात करूं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, बिल्कुल, एजुकेशनल साइकोलॉजी बाल विकास का, बच्चे का ज्ञान करने के लिए, बाल स्वभाव तथा व्यवहार को जानने के लिए, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट टू करेक्ट आंसर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डाटा की विशेषता नहीं है? जो बिग डाटा होता है उसमें विविधता होती है, बिग उसमें पाया जाता है, वेलोसिटी पाई जाती है, वॉल्यूम उसमें पाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर वेरिएटी उसमें पाई जाती है, लेकिन खालीपन वर्ड नहीं पाया जाता बिग डाटा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह आदि किसके अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं?
बिल्कुल कॉपीराइट में, पेटेंट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क में या लाइसेंस में। यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर इसका परफेक्ट टू परफेक्ट आंसर के बारे में बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, ये सब क्या होते हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। कोई भी कंपनी की शुरुआत की जाती है तो उसका एक ट्रेडमार्क होता है, जिसके अपने शब्द होते हैं, जिसका अपना स्लोगन होता है, जिसके अपना खुद वाक्य होता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो, डेटा इन्फॉर्मेशन को बदलने का सही शब्द है। डेटा को या इन्फॉर्मेशन को आगे हम प्रोसेसिंग के द्वारा एक दूसरे से बदल सकते हैं, सेविंग के माध्यम से नहीं, डिसलेइंग के माध्यम से नहीं, टेस्टिंग के माध्यम से नहीं, प्रोसेसिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बदल सकते हैं प्रक्रिया के माध्यम से। चलो, किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, एक डाटा, स्केटर्ड में, वार में, पाई के अंतर्गत, या इसे कहेंगे कॉलम में। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर इसका बात करूँ तो किस चार्ट में केवल एक डाटा या श्रेणी को दर्शाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर किस में, बिल्कुल पाई के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलें, मैक के अंतर्गत एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स होती है, 16 बिट्स होती है नाजीना, 32 बिट होती है नहीं जी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर, 64 नहीं होती, 48 बिट्स बिल्कुल एक मैक एड्रेस की क्या होती है, लंबाई होती है। ये उर्दू के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पूछे गए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य RTET से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया, डिस्कशन किया। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य RTET के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जितनी भी क्लासेज मैं लेकर के आता हूँ उसकी PDF टेलीग्राम पर जाती है, इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।